सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय इग्नो सॉल्यूशन में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी DNH02 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्री सॉल्व असाइनमेंट 20 से 21 तक के लिए। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आप चाहें तो जब मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आने वाली वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने सॉल्व असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपको 100 मार्क्स में से आपको आपके असाइनमेंट में मार्क्स मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके असाइनमेंट 2 भाग में बट रखे हैं और पहला है भाग क और दूसरा है भाग ख। ठीक है, तो पहला है भाग क, पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। भाग क जो है वो आपके 60 मार्क्स का है। ये देखिए 60 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और सभी सभी क्वेश्चन के सामने आपको इनके मार्क्स भी बता रखे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे नोट दे रखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। इस भाग में 6 प्रश्न है, यानी कि आपको भाग क में आपको 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई सा भी प्रश्न आप नहीं छोड़ सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी प्रश्न के सामने देखिए उनके मार्क्स भी बता रखे हैं, यानी कि उनके कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन है, आपको 6 के 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। ये देखिए, और जो दूसरा भाग है वो है भाग ख। भाग ख में क्या है, आपके 40 मार्क्स का ये है भाग ख दूसरा। यानी कि आपको इसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के सामने आपके मार्क्स भी बता रखे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो ये देखिए, अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। एंड असाइनमेंट सॉल्यूशन गाइड 20 से 21 तक DNHE2 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी भाग क वर्णनात्मक प्रश्न। यानी कि आपको जब आप इन प्रश्न के उत्तर जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को डिस्क्राइब करना है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। एंड इस भाग में आपको 6 प्रश्न आपको दिए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न का क है, जन्म मरण के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी तरीके से हमने जो अपना आंसर है यहाँ पे लिखा है, ये देखिए बेस्ट आंसर है। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इन आंसर्स को आप लिख भी सकते हैं। खा है, स्वास्थ्य तथा पोषण का परिवहन नियोजन में प्रभाव का संक्षेप में चर्चा कीजिए।
ये देखिए प्रश्न 2 का क है, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं तथा आप इनकी गणना कैसे करेंगे? तो पहला है नवजात मृत्यु दर, दूसरा है वृद्धि दर एंड अशोधित जन्म दर। तीसरा प्रश्न है कूड़े के निपटान के लिए समिक्षण वनस्पति खाद बनाने की पद्धति का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी अच्छे तरीके से हमने जो आंसर है वो अपना लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा यही कोशिश करते हैं हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें, जिससे आपको आपके असाइनमेंट में और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला पाए। तो इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं। और ये देखिए इसका ख है भारत सरकार द्वारा शुरू किए जल आपूर्ति तथा स्वास्थ्यता कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गा निम्नलिखित रोगों के आहार में आए परिवर्तनों के संबंध को संक्षेप में समझाइए। इसका पहला है अपोषण संलक्षण और दूसरा है यकृत विसंगतियां। देखिए प्रश्न 5 है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा उपकेंद्र स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उद्देश्य लाभानुभोगी तथा उनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को लिखिए। ख है आयोडीन की कमी पर नियंत्रण संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका भाग ख आपका स्टार्ट होता है। ये देखिए भाग ख का पहला प्रश्न है अपने मोहल्ले में एक सर्वेक्षण कीजिए और सुरक्षित जल आपूर्ति तथा कूड़े के निपटान के लिए घरेलू स्तर पर अपनाए जाने वाले विभिन्न उपाय की जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने उत्तर को तालिका के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये देखिए प्रश्न दूसरा अपने पड़ोस में उच्च रक्तचाप रोग से ग्रस्त 3 रोगियों को पता लगाइए। का उनके खान पान की पद्धति तथा जीवन शैली की जानकारी इकट्ठा कीजिए तथा एंड उच्च रक्तचाप के आहार व्यवस्था के सिद्धांतों को बताइए। आहार की पौष्टिकता की दृष्टि में अपने उत्तर को विश्लेषण करें। दिन भर में खाए गए भोजन की तालिका के रूप में प्रस्तुत कीजिए।
ये देखिए प्रश्न तीसरा है, पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना संबंधित 10 संदेश लिखिए तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका संक्षेप में चर्चा कीजिए। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, देखिए शांति चिरकालिक वृत्त निष्क्रियता से पीड़ित है, आप उसके लिए किस प्रकार का आहार निर्धारित करेंगे? ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें वह खा सकती है तथा जिन्हें खाने की मनाही है। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपके असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको इन असाइनमेंट को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा DNHE02 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के फ्री सॉल्व असाइनमेंट 20 से 21 तक के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।